हे दोस्तों, क्या आपके पास एक बेहतरीन स्मार्टफोन है? नहीं है? डोंट वरी, फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज वापस आ गई है। अब आपके पास भी एक बेहतरीन स्मार्टफोन होगा बहुत ही कम प्राइस में। अगर आपका बजट को लेकर कन्फ्यूजन था, अगर आपको स्मार्टफोन के लेकर कन्फ्यूजन था, तो इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। इस वीडियो में बताया जाएगा मिड रेंज से लेकर फ्लैगशिप फोन तक कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा आपके बजट के हिसाब से। साथ में वो स्मार्टफोन काफी कम प्राइस में फ्लिपकार्ट की तरफ से दी जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, तभी आप जान पाएंगे फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज के बारे में और अपने हाथ से इतना बेहतरीन मौका गंवा नहीं पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनी है और हम टेक में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्लिपकार्ट की तरफ से लोएस्ट प्राइस एवर का चैलेंज है। अगर आप फ्लिपकार्ट से स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन पे काफ़ी सारे डिस्काउंट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्मार्टफोन की हम बात करें तो वो रियलमी की मैं बात करूंगा। रियलमी अभी हाल ही में एक नए स्मार्टफोन को लॉन्च की है जो कि रियलमी C1 है। रियलमी की स्मार्टफोन 7000 के अंदर एक यूनिक सा लॉन्च देती है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आपका अगर स्मार्टफोन का बजट 7000 रुपीज़ के अंडर है तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसकी रियल प्राइस देखें, आप देख सकते हैं इसकी प्राइस 8990 रुपीज़ थी जो कि अब 6999 रुपीज़ रह गई है। ऑलमोस्ट इसमें आपको 2000 का डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही में अगर आपको इस फोन में और भी डिस्काउंट चाहिए तो अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आप वहां से 5% का और डिस्काउंट ले देख सकते हैं। तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं आपका अगर बजट 7000 के अंदर है तो। अगली स्मार्टफोन की बात करें तो वो रियलमी 2 है जो कि 10000 के अंदर में सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है। अगर आप इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो ये स्मार्टफोन की प्राइस 9990 रुपीज थी जो कि अब एक 1000 के डिस्काउंट के साथ 8990 रुपीज है। साथ ही में अगर आप इस स्मार्टफोन को और भी कम प्राइस में परचेस करना चाहते हैं तो आपके पास अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा तो आपको 5% का और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अगली स्मार्टफोन की हम बात करें तो इस स्मार्टफोन में का नाम है Realme 2 Pro। यह एक बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस जो थी वो 14990 रुपीस थी जो कि अब घटकर 13990 रुपीस आ गई है। आपको इसमें 1000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ में अगर आपके पास अभी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 5% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें बहुत ही छोटी सी यूनिक सी आपको नॉच देखने को मिलेगी। साथ ही में इस फोन का जो रिव्यू है वो बहुत ही बेहतरीन है कैमरा के मामले में। साथ ही में इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 660 का दिया हुआ है। तो अगर आप इस फोन के रिव्यू को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में आपको काफ़ी सारी वीडियो दिख जाएगी। बड़े बड़े यूट्यूबर जैसे टेक्निकल गुरु जी ने भी इनका वीडियो डाला था और साथ ही में रिव्यू दिया था बहुत ही बेहतरीन। तो आप इसी स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 15000 के अंदर है तो। अगर नोकिया मोबाइल्स की हम बात करें तो नोकिया मोबाइल्स पर भी अच्छी खासी डिस्काउंट दी जा रही है। अगर आप नोकिया के 5.1 प्लस जो कि नोकिया 5X के नाम से जाना जाता है, अगर नोकिया के 5.1 प्लस को परचेस करते हैं जिसकी प्राइस 13,199 रुपीस थी, वो स्मार्टफोन आपको 10,999 रुपीस में मिल जाएगी। साथ ही में 5% का और भी डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेड करते हैं तो। अगर आप नोकिया के 6.1 प्लस को अगर परचेस करते हैं आपको 4GB वाला वेरियंट 15,999 रुपीस में मिल जाएगी जिसका प्राइस 70,600 रुपीस था। अगर इस फोन की हम बात करें तो आपको पता ही है इस फोन में बहुत ही बेहतरीन कैमरा दिया हुआ है। साथ ही में इसमें एक छोटी सी यूनिक सी नोच है और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 636 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है। अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करेंगे और उसमें Xiaomi का नाम नहीं आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगली बात करते हैं Xiaomi के स्मार्टफोन्स की। Xiaomi के स्मार्टफोन्स पे काफ़ी बड़ी डिस्काउंट दी जा रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अगर आप Redmi 6 खरीदते हैं तो उस पर आपको 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगली जो स्मार्टफोन Redmi की है वो Redmi Note 5 Pro जो कि Redmi का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है। अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही कम प्राइस में देखने को मिल जाएगी। तो मैं इस स्मार्टफोन की बात करूँ तो यह स्मार्टफोन आपको द फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में 12,999 रुपीज़ में मिल जाएगी जिसका प्राइस 14,999 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं आपको इसका रेटिंग बहुत ही बेहतरीन दिया हुआ है। इसका 4.5 रेटिंग दिया हुआ है इस स्मार्टफोन की। तो आप इस फोन को भी परचेस कर सकते हैं, यह रेडमी का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है। आपको 5% का और डिस्काउंट चाहिए तो आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेड कर सकते हैं, आपको उसके लिए 5% का और डिस्काउंट दे दिया जाएगा। अगली स्मार्टफोन रेडमी की जो सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन में से एक जानी जाती है वो MI Mix 2 है जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 38,000 थी। वो आपको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में
29,999 रुपीज़ में मिल जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट 800 का डिस्काउंट है। अगली जो ऑफर है वो पोको F1 के लिए है। अगर आप एक पोको F1 यूजर्स है, तो अगर आप पोको F1 को एक्सचेंज करना चाहते हैं पोको F1 से ही, तो आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले फ्लैट 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट दी जाएगी, साथ में अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए 500 रुपये और डिस्काउंट दी जाएगी, और आपके जो पोको फ़ोन जो है उसके लिए आपको 14,700 रुपीज़ का डिस्काउंट दी जाएगी, और उसकी टोटल जो कॉस्ट पड़ेगी लास्ट में आपको वो 5,799 रुपीज़ पड़ेगी। अगर आप इसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप HDFC के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसके लिए भी आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो अगर आप अपने पोको फ़ोन को अपग्रेड करना चाहते हैं एक पोको फ़ोन में ही, तो आप कर सकते हैं बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट के साथ। अगली स्मार्टफोन आसूस की तरफ से, आसूस के भी कुछ स्मार्टफोन की प्राइस रिवील हो गई है। अगर आप आसूस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 को लेते हैं, जो कि 3GB 32GB को लेते हैं, तो उसकी प्राइस जो थी 11,000 वो आपको अब 9,999 रुपीज़ पड़ेगी। सेकेंड जो है M1 प्रो जो है वो 6GB रैम वाली, अगर उस स्मार्टफोन की कीमत जो थी वो 15,000 रुपीज़ थी, अगर आप उस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो आपको 12,999 रुपीज़ पड़ेगी। थर्ड स्मार्टफोन जो था, जो कि आसूस का सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन था फ्लैक्सिप स्मार्टफोन के लिए, आसूस जेनफोन 5Z, वो स्मार्टफोन की कीमत जो थी वो 30,000 थी, जो कि अभी के टाइम में वो 24,999 रुपीज़ पड़ रही है। आप इस स्मार्टफोन को भी खरीद सकते हैं अच्छे खासे डिस्काउंट में, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हैं। अगली डिस्काउंट सैमसंग की तरफ से भी है। अगर हम डिस्काउंट की बात करें और सैमसंग का नाम ना है, अगर आप सैमसंग के गैलेक्सी A7 को परचेज करते हैं जिसकी प्राइस 45,990 रुपीज़ थी, वो स्मार्टफोन अब आपको फ्लिपकार्ट के द बिग बिलियन डे सेल में 29,990 रुपीज़ पड़ेगी। अगली स्मार्टफोन की हम बात करें तो सैमसंग की गैलेक्सी O6 है, जो जिसकी प्राइसिंग 15,490 रुपीज़ थी, जो कि फ्लिपकार्ट के द बिग बिलियन डे सेल में आपको 11,990 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसमें आपको 5.6 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है। नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी O8 में भी अच्छी खासी डिस्काउंट दी जा रही है। इस स्मार्टफोन की कीमत जो थी 90,990 रुपीज़ थी, जो कि अब 14,990 रुपीज़ में आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। सैमसंग के J3 प्रो में भी अच्छी खासी डिस्काउंट देखने को मिल रही है। इस स्मार्टफोन की कीमत 8,490 रुपीज़ थी, जो कि अब घटकर 6,190 रुपीज़ ऑफर में दी गई है। सैमसंग के ओन नेक्स्ट सीरीज को भी खरीद सकते हैं आप, जिसकी प्राइसिंग 70,900 रुपीज़ थी, उसकी प्राइसिंग अब 9,990 रुपीज़ हो गई है। और अब बात करते हैं हम ओनर के स्मार्टफोन की। ओनर के स्मार्टफोन में भी काफ़ी सारे डिस्काउंट देखने को मिल रही है। तो अगर आप ओनर के स्मार्टफोन को परचेस करना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि ओनर 9 है, जिसमें एक बहुत ही यूनिक सिनोस दी हुई है, उसकी 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाली फ़ोन की कीमत 13,999 रुपीज़ थी, उस फ़ोन को आप 9,999 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। साथ ही में अगर 4GB रैम वाला आप खरीदते हैं, जिसकी प्राइसिंग 15,999 रुपीज़ थी, उस फ़ोन को आप 11,999 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। साथ ही में ओनर 10 को भी खरीद सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग 35,999 रुपीज़ थी, वो ऑलमोस्ट 10,000 तक कम हो गई है और उसकी प्राइसिंग जो है 24,999 रुपीज़ हो गई है। आप अगर ओनर के 7A को खरीदना चाहते हैं, जिसकी प्राइसिंग 11,000 थी, उस फ़ोन को आप अभी 7,999 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको इसमें डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें AI की सपोर्ट दी हुई है। साथ ही में इसमें आपको 3000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, और इसमें कंपनी का खुद का 6.59 का किरिन का प्रोसेसर दिया हुआ है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। तो यह स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन है, आप इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। साथ में अगर आपको 10% का और भी डिस्काउंट चाहिए, तो आप फोन पे से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको उस पे भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं बजट स्मार्टफोन की। अगर आपका बजट 5000 के अंदर है, तो आपके लिए भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं जो कि बेहतरीन है। सबसे पहला स्मार्टफोन जो है वो पैनासोनिक की P91 है। इस फोन में आपको 1GB की रैम, 6GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। साथ ही में यह फोन 5 इंच की डिस्प्ले के साथ आती है। इस फोन में आपको 8MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। इस फोन में आपको 2500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और इसमें मीडियाटेक का MT6737M प्रोसेसर देखने को मिलेगा। आप US को भी परचेस कर सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग 7,999 रुपीज़ थी, वो स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट के द बिग बिलियन डे सेल में 5,999 रुपीज़ में अभी अवेलेबल है, जो कि कल से सेल पे जाएगी। अगर हम इस फोन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में आपको 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज
साथ ही में 5.4 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन में आपको 13 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की खासियत यह है कि इसमें आपको 4000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है, और आपको इसमें मीडियाटेक का 6739 WW प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगर इस फोन में अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए, अगर आप फोन पे से पेड करते हैं तो आपको इस स्मार्टफोन पे 10% के और डिस्काउंट दे दी जाएगी। अब बात करते हैं लिनोवो के कुछ स्मार्टफोन्स की, तो लिनोवो K8 Plus जो कि 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आती है, जिसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 11000 थी, वो स्मार्टफोन अब आप 6999 रुपीज़ में खरीद सकते हैं। साथ ही में कुछ मोटो के स्मार्टफोन भी है जिसमें आपको 50% की कैशबैक देखने को मिल रही है। तो मोटो के Z2 जो थी Z2 Force, जिसमें स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर दिया हुआ है, जिसकी प्राइसिंग 34999 रुपीज़ थी, वो स्मार्टफोन ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और वो स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट में 70499 रुपीज़ में मिल जाएगी। ठीक है, एक्सपीरिया R1 Dual जिसमें स्नैपड्रैगन का 430 का प्रोसेसर दिया हुआ है, अगर आप उस स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं तो आपको 9999 रुपीज़ का स्मार्टफोन 6990 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आप ओप्पो के फ़ोन को पसंद करते हैं तो आपको ओप्पो A71 जिसकी प्राइसिंग 10990 रुपीज़ थी, वो स्मार्टफोन आपको आप 6990 रुपीज़ में मिल जाएगी। अगर आपको मोटो Z2 Force को अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप फोन पे से उसका पैसा को पेड कर सकते हैं और उसके लिए आपको 10% का और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कीपैड स्मार्टफोन की, तो कीपैड स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 429 रुपीज़ से स्टार्ट है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं इनफोकस की। इनफोकस की जो सबसे पहली स्मार्टफोन है वो आपको 665 में मिल जाएगी। आप देख सकते हैं आईकेल की स्मार्टफोन जो है वो आपको 429 रुपीज़ में मिल जाएगी। साथ ही में आपको यहाँ पर बहुत सारे स्मार्टफोन दिख रहे हैं जो कि आपको 1000 के अंदर में बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देती है। आपको नोकिया का भी कीपैड स्मार्टफोन 985 रुपीज़ में देखने को मिलेगी, तो आप नोकिया की स्मार्टफोन को भी खरीद सकते हैं। अगर आप अपने स्मार्टफोन को सेव करना चाहते हैं तो आप स्मार्टफोन पे थीप कवरेज भी लगा सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो रही है 99 रुपीज़ से। तो आप फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में अगर इसको परचेज करते हैं तो आपको उसके लिए 99 रुपीज़ पेड करने होंगे। तो आप जाकर फ्लिपकार्ट के इस ऑफर को लुत्फ़ उठा सकते हैं, अपने बेहतरीन स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। मैंने सभी स्मार्टफोन के बारे में बता दिया हूँ, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका प्राइस बजट 15000 के अंदर है तो आप Realme 2 Pro को ले सकते हैं। अगर आपका प्राइस 11000 के अंदर है तो आप Nokia का 5.1 Plus को ले सकते हैं। अगर आपका प्राइस 13000 के अंदर है और आपको MI का फ़ोन पसंद आता है तो आप MI के Redmi Note 5 Pro को ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों लोगों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा स्मार्टफोन बहुत ही पसंद आया। फाइनली ये कहूँगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।